ओके तो सबसे पहले बात करते हैं उन कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस के बारे में जो कि अपकमिंग अपने इवेंट्स के लिए जब क्राउड आएगा उसके लिए WWE एडवर्टाइज कर रही है। अब वाला टाइम याद करो जब ऐसा नहीं होता था कि हाउस शो चल रहा है यानी लाइव इवेंट चल रहा है। रॉस मैकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो छोटे छोटे सिटीज़ में WWE जाके अपने इवेंट करवाती है, तो वहाँ पर अगर कोई आगे जैसे एक दो महीने पहले के लिए कोई मैच एडवर्टाइज हो गया तो उनको समझ आ जाता था कि हाउस शो में अगर ऐसा मैच एडवर्टाइज हो रहा है तो हाउस शो के अंदर ज़्यादातर वो चीज़ हमको देखने को मिलती है जो मेन रोस्टर पर हो रही होती है, तो उससे हमको लग जाता है अच्छा दो महीने बाद लाइव इवेंट में ये वाला मैच एडवर्टाइज है, यानी हो सकता है आने वाले टाइम में इनकी स्टोरी लाइन रॉस मैकडाउन के ऊपर हो सकती है। तो ऐसा ही यहां पर कुछ हुआ है, WWE ने अपने हाउस शो के लिए कुछ मैच एडवर्टाइज किए हैं, जैसे कि बॉबी लेस्ली के साथ एज स्टाइल्स एंड ओमस और उनके अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर, रैंडी ओटन और रिडल, यानी वो जो लग रहे हैं ना रूमर्स एज स्टाइल्स ओमस के अगेंस्ट आरके ब्रो, वो शायद यहां से सच हो सकते हैं। इसके अलावा और भी मैच है, एक और सिक्स मैन टैग टीम मैच रोमन रेंज के साथ दी उसोस और उनके अगेंस्ट में मिस्टीरियोस की टीम और उनकी चॉइस का कोई एक पार्टनर। तो ये कुछ मैचेस WWE एडवर्टाइज कर रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में कुछ इसी के अराउंड ऐसे स्टोरीलाइन घूमेगी। हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता कि कभी कभी हाउस शो में ऐसे WWE जो उनके पुराने पेपर व्यू के मैचेस हैं ना, जैसे एक महीना पहले जो पेपर व्यू में मैच हुए कभी कभी उसको भी डाल देते हैं ऐसे, क्योंकि वहाँ के लोगों को तो सिर्फ एंटरटेन करना है ना, ज़्यादा स्टोरीलाइन से रिलेशन होता नहीं है उसका, लेकिन फिर भी आप ये आइडिया लगा सकते हो कि क्या हो सकता है इन मैचेस के हिसाब से WWE के अंदर आने वाले कुछ हफ्तों या फिर महीनों के अंदर। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, तो अभी तक आपने ओटिस का लुक चेंज देखा ना कि उन्होंने बाल उनके लंबे हैं लेकिन उन्होंने अपनी जो बियर्ड है वो पूरी कटवा ली, लेकिन अब उन्होंने बाल भी छोटे कर दिए और बम के शो पर कुछ इस तरीके से आए हैं ओटिस। और अभी से अगर कुछ दिन पहले मुझे ओटिस का ये वाला लुक देखने को मिलता जब उनके बियर्ड और पूरे लंबे बाल थे, मैं तो समझ में नहीं पाता कि ये ओटिस हैं, लेकिन ओटिस अब इस वाले लुक के साथ आपको देखने को मिलेंगे। इस बार उन्होंने बाल भी छोटे करवा लिए, यानी फिर से लुक चेंज कर लिया। जब उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने सिंपली ये कहा, देखो मैं ये चाहता हूँ कि पुराने वाले ओटिस को लोग भूल जाएँ, इस वाले ओटिस को लोग जाने। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं लंबे बाल और अपनी दाढ़ी से परेशान भी हो गया था और मेरे को लगा कि ये तो बढ़िया मौका है भाई, उनके खुद करेक्टर में चेंज हो रहा है तो क्यों ना वो खुद में भी चेंज कर लें। तो अब इस तरीके से आपको जो ओटिस है वो WWE के अंदर देखने को मिलेंगे। सही है वैसे, जब किसी बंदे का कैरेक्टर चेंज होता है ना, वो भी इतना ड्रास्टिकली, मतलब कहाँ ओटिस एक सबको पसंद आने वाला बंदा, मैंडी रोज वाली स्टोरी लाइन, मतलब वो सब ना, उसके बाद जब वो हील बन गया तो ऐसा हजम नहीं होता अगर वो बंदा उसी लुक के साथ हो। इसीलिए WWE थीम सॉन्ग, उसकी अटायर, ये सब चेंज करती है, लेकिन सबसे बड़ा चेंज तो यही है बंदा खुद ही अपने में चेंज कर ले, तो ओटिस ने ये कर दिया है। अब देखते हैं ये वाला कैरेक्टर कितना ज़्यादा अच्छा चलता है। वैसे ओटिस का वो वाला कैरेक्टर तो मर ही गया था जहाँ पर वो फन लविंग या फिर ऑडियंस को पसंद आने वाले थे, क्योंकि उसका WWE कचरा कर चुकी थी। अब इसके साथ हो सकता है थिंग्स हमको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई, इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। आपको पता है ये जो रिडल हैं वो अपनी स्टोरी लाइन के अंदर बर्गर किंग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि उनको कैसे वो पसंद है। उन्होंने ये भी कहा था शायद किसी रॉक एक एपिसोड में कि हम ब्रीफ केस जीत जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, हम उसमें बर्गर किंग का अपना खाने वाने का सामान रख लेंगे, सैंडविच वगैरह, और हमको कभी भी भूख लगेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। रैंडी ओटन का बड़ा एपिक रिएक्शन था उसके ऊपर। तो अभी क्या हुआ, रिडल ने ट्विटर के ऊपर फोटो डाली डेमन प्रीस्ट के साथ, क्योंकि अभी रॉ पर भी वो थे, तो उन्होंने यहाँ पर डाली कि कैसे वो अपना अच्छा खासा खाना पीना कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बर्गर किंग का ऑफिशियल, बर्गर किंग के जो ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से रिप्लाई आता है, और वो यहां पर लिखते हैं दिस इज द बेस्ट स्टोरी लाइन इन रेसलिंग। तो बर्गर किंग वालों को भी भाई काफी अच्छी लग रही है स्टोरी लाइन, और लगेगी भी क्यों नहीं भाई, प्रमोशन हो रहा है उनकी कंपनी का जिस तरीके से बार बार वो बर्गर किंग का नाम लेते हैं। एंड हो सकता है, क्या पता बर्गर किंग कोई रिडल और रैंडी ओटन का आगे जाकर मैच भी पूरा स्पॉन्सर करते हैं। मतलब ये मार्केट के गिमिक्स होते हैं जो हमको ऐसे समझ नहीं आते, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं इनकी, जो मतलब फैंस जो समझ नहीं पाते हैं। हम तो सिर्फ रेसलिंग देखते हैं लेकिन ये मार्केटिंग में बहुत कुछ चल रहा होता है पीछे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे लगा आपके साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं समोआ जो के बारे में, तो आप लोगों ने भी ये बात कॉमेंट में मेरे से पूछी और मेरे से ज़्यादा खुद समोआ जो से पूछी गई कि भाई तुम मेन रोस्टर में आने के बाद दोबारा से NXT में क्यों चले गए। ये सवाल हर किसी के लिए आता है, फिन बैलर के लिए भी आया जब वो गए थे NXT में, उन्होंने कहा था कि उनको NXT पसंद है। समोआ जो का जवाब यहाँ पर कुछ कुछ फिन बैलर से सिमिलर ही है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो सबसे पहले तो मैं काम करना चाहता हूँ दोबारा से ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स के साथ, और ये एक पहला बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मैं NXT में गया। उसके बाद NXT का अगर तुम रोस्टर देखो तो यहाँ पर जो टैलेंट है वो बिल्कुल अमेजिंग है, फिर चाहे तुम विमेंस डिवीजन की ही क्यों ना बात करो। उन्होंने यहाँ पर नाम भी लिए सुपरस्टार्स के, जैसे कि शिराय, रकेल गोंजालेस, डेकोटा का, इन सबको उन्होंने कहा ये तो भाई एकदम टॉप टीयर पे चल रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा कि जो सब टैलेंट है कुल मिला के NXT ने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया और इस वजह से मैं NXT का पार्ट हूँ। और एक बात उन्होंने और बता दी जब उनसे ये कहा कि अच्छा ठीक है तुम्हारा इन रिंग रिटर्न का क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा मैं ऑलरेडी उस रास्ते पर चल चुका हूँ जो कि मुझे इन रिंग रिटर्न तक लेकर जाएगा, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये NXT के साथ, इसके अंदर उनके इन रिंग मैचेस भी हैं। तो इससे हमको
क्लियर पता लगता है कि समोआ जो का ये जो रोल है ना, ये आप कह सकते हो ये अथॉरिटी कम बॉडीगार्ड वाला ज़्यादा, वो आगे जाकर अभी रेसल भी करने वाला है। तो क्लियर है समोआ जो को अगर खुद मज़ा आ रहा है इस काम को करने में तो हमको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, ये अभी जो हाइप है उसको मेंटेन करके रख सके, क्योंकि धीरे 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 चीज़ें WWE फुस करने में माहिर होती है। आई होप ये चीज़ समोआ जो के साथ ना, और ये मोमेंटम जो उनके साथ है वो लगातार बना रहे। नेक्स्ट बात करते हैं निकी क्रॉस के बारे में, और निकी क्रॉस का नाम आपको शायद नोटिस किया होगा, फिर आपने नहीं, वो चेंज हो चुका है, निकी ASH या फिर ऐश जिसको आप बोल सकते हो, बोलना चाहिए, मतलब जो है जिस ASH की जो फुल फॉर्म है ऑलमोस्ट अ सुपर हीरो, यानी अब निकी ऐश हो चुका है उनका नाम निकी क्रॉस से। अब ये क्यों हुआ, सबसे पहले तो आप कहोगे कि हाँ उनका वो सुपर हीरो वाला गिमिक आ गया इस वजह से, वो तो एक रीज़न है, लेकिन निकी क्रॉस ने जब विंस मैकमैन से बात कही थी कि मेरे को एक सुपर हीरो वाला गिमिक चाहिए, तो यहाँ पर नेम चेंज होने की कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली थी उन्होंने, बल्कि उन्होंने बस इतना कहा था कि मेरे को अपना कैरेक्टर में चेंज चाहिए। लेकिन विंस मैकमैन ने उनके नाम को भी चेंज कर दिया, या फिर WWE के जो लोग हैं उन्होंने नाम को चेंज कर दिया। इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है, आप सोचोगे तो आपको लगेगा भाई WWE किन किन चीज़ों में कितनी गहराइयों में सोचती है। कैरन क्रॉस NXT के अंदर जो चैंपियन है, उनके मेन रोस्टर में आने के ट्रायआउट चल रहे हैं, और निकी क्रॉस, कैरन क्रॉस, कुछ समझ आया? भले ही यहाँ पर क्रॉस में K है कैरन क्रॉस वाले और निकी क्रॉस में C है, लेकिन WWE ये नहीं चाहती थी कि जब कैरन क्रॉस आए मेन रोस्टर के ऊपर तो ऐसे दो नाम सेम से हों जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है, निकी क्रॉस और कैरन क्रॉस। तो इसीलिए WWE को लगा अब कैरन क्रॉस अगर आने वाले हैं कुछ मतलब ऐसे बातें चल रही उनके बारे में, उनको मेन रोस्टर के ऊपर लाया जाए, तो WWE ऐसे कन्फ्लिक्ट होने वाली चीज़ नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने जो निकी क्रॉस का नाम है उसको पहले से ही एडवांस में चेंज करके रख लिया है कि फ्यूचर में अगर कैरन क्रॉस आ रहे हैं तो उनका जो रास्ता है वो क्लियर हो। भाई कुछ ज़्यादा ही डीप नहीं हो गया है, कैरन क्रॉस ने वैसे ट्रायआउट दे दिए मेन रोस्टर में आने के लिए, तो शायद हो भी सकता है कि कुछ हफ्तों के अंदर ही वो आ जाए मेन रोस्टर के ऊपर। तो ये पूरा रीज़न है निकी क्रॉस के इस गिमिक का और इस नेम चेंज का। कमेंट करके बताना ज़रूर आप लोग मुझे ये इंटरेस्टिंग बात आपको कैसे लगी और आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया नहीं था कि अगर ब्रॉक लेसनर नहीं आ रहे समर स्लैम के लिए, आई होप ऐसा ना हो, इस बार आ जाए ब्रॉक लेसनर, लेकिन WWE का बैकअप प्लान भी तो होगा ना कुछ। बैकअप प्लान के अंदर मैंने आपको बताया था कि गोल्डबर्ग और फिंड ऐसे नाम है जिसको WWE समर स्लैम के लिए कंसिडर कर सकती है, लेकिन गाइस अब जो रिपोर्ट्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने शुरू हो चुकी है कि गोल्डबर्ग वापस आ रहे हैं समर स्लैम के लिए बॉबी लेसली को WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए, और WWE इसको कंसिडर कर रही है समर स्लैम का सेमी मेन इवेंट, या फिर आप लोग कह सकते हो सेकेंड मेन इवेंट रोमन रेंस और जॉनसन के मैच के बाद। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा मेरे लिए, गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लेसली ठीक है बहुत सारे लोगों को देखने में मजा आएगा, लेकिन जब उम्मीदें तुम्हारी बॉबी लेसली और ब्रॉक लेसनर के मैच की हो तो मुझे लगता तुम किसी भी बंदे को लेकर आ जाओ वो बॉबी लेसली और ब्रॉक लेसनर के लेवल मतलब इस वाले लेवल को मैच कर सकता है। खैर क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में, अगर ब्रॉक लेसनर WWE में उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो फिर भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो ये ऐसी चीज़ है ना जो हम ये WWE के ऊपर भी ब्लेम नहीं डाल सकते कि यार वो ब्रॉक को नहीं ला रहे, जब लीगली चीज़ें नहीं हो रही सॉर्ट आउट तो फिर इसके बारे में कुछ करा नहीं जा सकता है। तो खैर अगर ब्रॉक लेसनर नहीं आया तो फिर शायद आपको इस मैच से काम चलाना पड़ सकता है। वैसे आपको पता ही होगा गोल्डबर्ग साल में 2 मैचेस लड़ते हैं और ये उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीज़ है आने वाले कुछ टाइम तक के लिए, तो ये फिलहाल अपडेट है। ब्रॉक लेसनर तुमको वापस आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, तो रोमन रेंस के लिए ऑलरेडी चैलेंज आ चुका है फ्यूचर पॉसिबल फ्यूचर मिस्टर मनी इन द बैंक की तरफ से। अब आपको पता है मनी इन द बैंक के लिए सुपरस्टार्स ऑलरेडी हमको पता मेंस लैडर मैच के लिए पता लगने शुरू हो चुके हैं, उसमें से मैं अगर अपनी पिक देखूं मेरे ख्याल से बहुत सारे आपकी भी पिक होगी, बिग ई एक ऐसा नाम है जिसको बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये वो बंदा है जो कि शायद इस साल का मनी इन द बैंक जीत सकता है। अब बिग ई से खुद ये पूछा जाता है कि तुम मिस्टर मनी इन द बैंक अगर जीतते हो तो तुम क्या किसको चैलेंज तुम करने वाले हो, तो बिगी का आंसर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। उन्होंने कहा देखो उस टाइम तो कोफी तो चैंपियन होगा, ऑब्वियसली WWE चैंपियन बन चुका होगा, यानी कि ऑलरेडी बिगी मान चुके हैं कि अभी वो बॉबी लेसली के दिन खत्म करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कोफी चैंपियन होगा तो ऑब्वियसली उसको तो मैं चैलेंज करूंगा नहीं, तो ऐसे में बसता है सिर्फ रोमन रेंस, और रोमन रेंस मेरी नज़र में इस समय नंबर वन पर है, वो इस समय अकेला खड़ा हुआ है, उसके साथ उसको कम्पीट करने के लिए इस समय कोई है नहीं। उन्होंने मजाक भी उड़ा दिया यहाँ पर आज का, उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं था कि ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम WWE से गायब हो जाओ रिटर्न करो, तो ये भी एक तरीका होता है टाइटल अपॉर्चुनिटी लेने का। उन्होंने एज के ऊपर शॉट लिया कि कैसे एज इतने टाइम गायब रहे और वापस आकर उन्होंने सीधा चैलेंज कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं यहाँ पर दूसरा रास्ता चुनूंगा और रोमन रेंस के लिए मनी इन द बैंक जीतकर उनको हराना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी। तो बिगी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया अगर वो जीते मनी इन द बैंक तो उनके टारगेट होने वाला है सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस, और अगर बिगी के चांसेस ज्यादा ही जीतने के तो शायद इन फ्यूचर रोमन रेंस एंड बिगी का प्रोग्राम आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, तो इसके चांसेस लग रहे हैं। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि बिगी को आप जीतते हुए देखना चाहोगे मनी इन द बैंक, और क्या उनका रोमन रेंस को चैलेंज करना एक सही डिसीजन हो सकता है।
क्योंकि हो सकता है वो भी बर्बाद चला जाए। खैर हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस बाय नेक्स्ट वीडियो।